चलिए अब बनाते हैं कुछ और ठंडी ठंडी चीज़ें, और उसके लिए देखिए दो किचन मैंने तैयार कर रखी हुई हैं, तो ध्यान से देखिएगा क्या बन रहा है। जल्दी से बन जाएगा, पलक झपकते ही बन जाएगा, तो इसलिए ध्यान ज़रूर दीजिए। तो मैंने क्या करना है यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर कुछ चीज़ें मेरे पास हैं, ये एक्चुअली है चॉकलेट सॉस, चॉकलेट सॉस, ढेर सारी चॉकलेट सॉस। इससे क्या बनेगा देखते हैं। एक्चुअली जो हम बना रहे हैं ये बनेगा मोका स्लश, और ये है कॉफ़ी सिरप, यानी कॉफ़ी और उसके साथ में चाशनी, बना बनाया कॉफ़ी सिरप मिलता है। अगर नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, कॉफ़ी को बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना के वो इसके अंदर डालें, और चीनी डालनी पड़ेगी। चलिए ये हो गया, अब क्या करना है। एक्चुअली क्योंकि चॉकलेट बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो थोड़ा सा उसको मेलो करूँगा मैं ये वनीला आइसक्रीम से, लेकिन ज़्यादा नहीं। और इसके साथ साथ इसमें ये आइस क्यूब्स, तो आइस क्यूब इसके अंदर, बस तैयार। जी हाँ, इसके अंदर चॉकलेट सॉस, उसके साथ साथ कॉफी सिरप, थोड़ी सी वनीला आइसक्रीम, और इसमें ढेर सारी आइस। और ये देखिए ये तैयार हो गया चॉकलेट स्लश। इसको इसी तरह से सर्व करना है फटाफट, इस पे थोड़ा चॉकलेट, बस। चलिए ये तो तैयार हो गया, अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है ये देखते हैं। ये बनाएंगे हम अनार से। चलिए ये अनार मेरे पास, और अनार के साथ साथ इसमें हमने डालना है कोकम का शरबत। तो ये कोकम, जी हाँ कोकम जो फ्रूट होता है उसका बाजार में बना बनाया शरबत मिलता है, वो लिया हुआ है हमने। और उसके साथ आइस मेरे पास है, लेकिन इसमें डालना है हमें नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, और अच्छी तरह से भुना हुआ, मतलब जीरे को अच्छी तरह से भून लें, फिर काला नमक ये ले लिया, और इसके अंदर ढेर सारी आइस। चलिए ये इसको बंद कर देते हैं, इसको अच्छी तरह से क्रश करना है, और इसे सर्व करने के लिए ये मेरे पास थोड़ा सा नींबू, नींबू ले लेते हैं। और एक्चुअली ये नींबू मुझे इसलिए चाहिए ताकि इसमें मैं ये नींबू लगा सकूं इस ग्लास में। और अब इसमें लगाते हैं नमक, चीनी नहीं है ये नमक है, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो इस तरह से शेक कर लें। ये आ गया नींबू, और अब ये जो है खोल लेते हैं, और थोड़ा सा चख के देखता हूं मैं कि कैसा है। बहुत बढ़िया क्रंची अनार के दाने के साथ। ये देखिए ये जो हमने कोकम और अनार का बनाया है स्लश, अगर आपको अनार नहीं मिले, अगर सीजन में ऐसा लग रहा है कि अनार नहीं है, तो उस केस में आप अनार का शरबत या ग्रेनेडिन ले सकते हैं, और उसके साथ में कोकम का शरबत मिलाएं, ढेर सारी आइस, नमक, और उसके साथ साथ नमक सफ़ेद और काला नमक दोनों, और भुना हुआ जीरा, ये डालकर आइस डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें, ग्लास पे नींबू और नमक लगाएं, और चिल्ड एकदम सर्व करें। ये एकदम मीठा, वो मीठा और नमकीन, जी हाँ बहुत बढ़िया है, दोनों अपने आप में एकदम यूनिक है। बना के देखिए, पीजिए, पिलाइए, नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए एक कप कॉफी सिरप, आधा कप चॉकलेट सॉस, 8 स्कूप वनीला आइसक्रीम के
बर्फ आवश्यकता अनुसार और सजाने के लिए ग्रेटेड चॉकलेट। इसे बनाने के लिए स्मूदी मेकर में कॉफी सिरप, चॉकलेट सॉस, वनीला आइसक्रीम और बर्फ के टुकड़े डालकर इसे मिक्स करें और अब इस तैयार मोका स्लज को किसी सर्विंग ग्लास में डालें और इसे ग्रेटेड चॉकलेट से सजाकर तुरंत सर्व करें। इसके लिए हमें चाहिए 1/4 कप कोकम सिरप, 4 बड़े चम्मच अनार के दाने, 1/2 छोटा चम्मच नमक, 2 छोटे चम्मच भुना जीरा पाउडर, 2 छोटे चम्मच काला नमक, 8 बड़े चम्मच चीनी, 4 कप बर्फ और 1 नींबू कटा हुआ। इसे बनाने के लिए एक ब्लेंडर जार में अनार के दाने, कोकम सिरप, नमक, भुना जीरा पाउडर, काला नमक और बर्फ डालकर मिला लें। इसे सर्व करने के लिए सर्विंग ग्लास के किनारे पर नींबू का रस लगाएं, फिर 1 प्लेट में पिसी चीनी लेकर इस ग्लास को उसमें उल्टा रखें और थोड़ा सा घुमा लें। अब इस तैयार ग्लास के अंदर कोकम और अनार का स्लश डालकर तुरंत सर्व करें।